YouTube की एक बड़ी अपडेट आई है जिससे अब आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके ऐसे ही कटिंग छटिंग करके अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप या कोई भी पर्सन किसी के ही वीडियो को उठा के उसको कटिंग छटिंग करके अपने चैनल पे उसको अपलोड कर देता था, और कर देने के बाद उसको जो है YouTube बाद में उसको चेक करता था कि ये वाकई में उसका प्रॉपर वीडियो है या किसी और के वीडियो को उठा के कटिंग छटिंग करके अपने चैनल पे लगाया है। ये अपडेट दिया और इसमें एक फंक्शन ऐड कर दिया है जिससे बहुत ही आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि वो आपका अपना वीडियो है या आप किसी और के वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके उसको अपलोड किए हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो पहले ये होता था कि YouTube उसको बाद में चेक करता था, अपने टीम बैठा के जो बहुत सारे उसके टीम मेंबर है वो उसको चेक करता था कि जो भी आदमी वीडियो को अपलोड किया है वाकई में उसका अपना वीडियो है या किसी और को वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके वो अपलोड किया है, तो उसको बाद में कॉपीराइट का स्ट्राइक मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब जैसे ही आप वीडियो अपलोड कीजिएगा उसी टाइम आपका राइट टिक लग जाएगा कि वो आपका अपना वीडियो है। अगर आप किसी के और के वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके उस अपलोड करते हैं तो वहीं पर ही आपको क्रॉस का टिक लग जाएगा और वो आपका वीडियो भी अपलोड नहीं होगा और वहीं पे आपका जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। अब कैसे आएगा, कहां पे आएगा, चले मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। Shut up and sit down. YouTube की एक बड़ी अपडेट आई है, अब आप किसी के भी वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके आप अपने चैनल पे उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप किसी के भी वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके आप अपने चैनल पे अपलोड कर देते थे, तो वो अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि YouTube ने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया है जिससे आपके जो किसी के भी वीडियो को आप डाउनलोड करते हैं उसको कटिंग छटिंग करके अपलोड कीजिएगा तो वो पहले आपको अपलोड नहीं होगा और आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक भी आ जाएगा। पहले ये होता था कि जैसे आप अपलोड करते थे YouTube की टीम जो है उसको चेक करती थी कि ये आपका अपना शूट किया हुआ वीडियो है या किसी और के वीडियो को आप कटिंग छटिंग करके अपलोड किए हुए हैं, तो जो है YouTube की टीम आपको बाद में कॉपीराइट का स्ट्राइक देता था। बट जो है अब YouTube ने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया है जिससे आपको जैसे अपलोड कीजिएगा उसी टाइम आपको ये पता चल जाता है कि आप किसी और का वीडियो अपलोड कर रहे हैं या आपका वो खुद का शूट किया हुआ वीडियो है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ वीडियो एलिमेंट और यहाँ पे विजिबिलिटी का ऑप्शन पहले आता था। जब आप वीडियो अपलोड करते थे तो YouTube की टीम इसको बाद में चेक करता था कि ये आपका अपना वीडियो है या किसी और का वीडियो है, तब आपको बाद में जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ चेक का ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक का ऑप्शन आ चुका है। ये आप पहले जैसे आप यहाँ मेरा देखिए यहाँ वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पर देखिए 86% यहाँ मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। तो YouTube ने यहाँ पे एक नया फंक्शन ऐड कर दिया है जिससे अगर आप जो किसी का भी वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो यहाँ भी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चेक का ऑप्शन आ गया है। पहले यहाँ तीन ही ऑप्शन था, डिटेल्स, एलिमेंट, वीडियो एलिमेंट्स और विजिबिलिटी का, और यहाँ पे नया फंक्शन जो ऐड किया है चेक्स का। तो दूसरा यहाँ पे मैं आपको नीचे भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए राइट का टिक है, यहाँ पे देखिए लिखा के आ रहा है, यहाँ पे देखिए चेक्स विल बिगिन व्हेन एसडी प्रोसेसिंग इज कंप्लीट। जैसे ही यहाँ पे अगर आपका खुद का वीडियो शूट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है राइट का टिक लग जाएगा, हरा में टिक लग जाएगा, ग्रीन में टिक लग जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा के आ जाएगा कि नो इशू फाउंड, मतलब अगर आपका खुद का वीडियो है तो यहाँ पे नो इशू फाउंड लिखा के आ जाएगा। और अगर आप किसी और के भी वीडियो को उठा के कटिंग छटिंग करके अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखा के आ जाएगा इशू फाउंड और यहाँ पे आपका रेड टिक लग जाएगा और ये आपका यहाँ पे ही आपका कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा और यहीं से ही आपका पहले तो आपको यहाँ वीडियो अपलोड ही नहीं होगा, यहीं पर ही आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल जाएगा, यहाँ पर रेड टिक लग जाएगा और यहाँ से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो ये जो है YouTube की जो टीम होते थे उसको कुछ फ़ायदा
खराब भी हो गया है उसको बाद में नहीं चेक करना पड़ेगा। और जो अभी बंदे जो हैं जो दूसरे के वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके लगाते रहते हैं अपने चैनल पे, वो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से पहले तो इसको वीडियो अपलोड ही नहीं होगा, यहीं पे ही उसको कॉपीराइट का स्ट्राइक मिल जाएगा और यहीं पे उसको जो है इशू फाउंड मिल जाएगा। चलिए जैसे ही मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाता है वीडियो, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का वीडियो है, जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर देखिएगा मेरा यहाँ पर राइट जो ग्रीन टिक लग जाएगा, यहाँ मेरा ग्रीन टिक लग जाएगा क्योंकि मेरा खुद का वीडियो है, मैं किसी का वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटके करके मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। इसीलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक मिलने वाला है अपलोड करते ही टाइम में। चलिए जैसे मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो कैसा टिक लगता है और यहाँ पे क्या लिखा के आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले जो है यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे देखिए कि वीडियो अपलोड कंप्लीट और यहाँ पे देखिए वीडियो प्रोसेसिंग और नीचे आ रहा है प्रोसेसिंग कंप्लीट, और यहाँ तीसरा देखिए कि यहाँ लिखा के आ रहा है कॉपीराइट चेक कंप्लीट और नीचे आ रहा है लिखा के नो इशू फाउंड। अगर आप किसी के भी वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो यहीं पर ही यहाँ पर आपको क्रॉस लग जाएगा और रेड का टिक लग जाएगा और यहाँ पर आपका लिखा के आ जाएगा इशू फाउंड। तो यहाँ पे ये मेरा अपना प्रॉपर वीडियो है, मैं इसको शूट किया था और मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का यहाँ पे क्लेम नहीं आया है और कोई भी कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आया है और यहाँ पे लिखा के आ गया है नो इशू फाउंड। अगर आप किसी के भी वीडियो को उठा के कटिंग छटिंग करके डाउन यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको यूट्यूब के तरफ से आपको जो है चैनल पे कॉपीराइट का जो है स्ट्राइक आ जाएगा और 3 स्ट्राइक आने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका चैनल परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो आप किसी के भी वीडियो को ऐसे ही उठा के डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके अपने चैनल पे नहीं लगाइए, क्योंकि ये जो है यूट्यूब है यहाँ पे देखिए नया फंक्शन ऐड कर दिया है। अगर आप किसी के भी वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि लिखा के आ रहा है चेक कंप्लीट नो इशू फाउंड और यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट चेक कंप्लीट। सो गाइस आपने जाना कि वो कहाँ पे है जहाँ पे आपका कॉपीराइट का स्ट्राइक आया। पहले होता था कि यूट्यूब की टीम उसको चेक करता था और बाद में जो है उसको कॉपीराइट का स्ट्राइक मिलता था, बट आप बहुत ही आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि वो आपका अपना प्रॉपर वीडियो है, आप शूट करके उसमें अपलोड कर रहे हैं या किसी और का वीडियो को डाउनलोड करके कटिंग छटिंग करके आप अपलोड कर रहे हैं तो आप पहले बात तो वो अपलोड ही नहीं होगा और अपलोड के टाइम में ही आपको जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा, वहाँ पर रेड जो टिक लग जाएगा क्रॉस का। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।